और यूक्रेन के बीच जारी हुए युद्ध को 500 से अधिक दिन पूरे हो चुके हैं। इस लड़ाई में दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खतरनाक और विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का दावा किया है, तो वहीं रूस ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। रूस ने क्लस्टर बम के जवाब में एक नए हथियार का प्रदर्शन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो हथियार है थर्मोबेरिक। थर्मोबेरिक से टारगेट और दुश्मन का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही ड्रोन और थर्मोबेरिक हथियार की लगातार चर्चा हो रही है, और अब दोनों देश की भयानक क्षमताएं एकजुट होती दिख रही हैं। इस नए हथियार को दुश्मन की किसी खास चीज को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। थर्मोबेरिक बम दुनिया का सबसे घातक गैर परमाणु बम है। रूस का ये नया थर्मोबेरिक हथियार विशेष रूप से इमारतों और किलेबंदी को टारगेट करने में सक्षम है, जिसका साफ शब्दों में मतलब है कि इससे छिपा नहीं जा सकता है, हर हाल में अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। चलिए थर्मोबेरिक हथियार की खासियत के बारे में भी जान लेते हैं। थर्मोबेरिक बम आम हथियारों से ज्यादा खतरनाक होता है। यह इंसानों के फेफड़े में मौजूद ऑक्सीजन को जला देता है, जिससे इंसानों की दर्दनाक मौत हो जाती है। थर्मोबेरिक बम टारगेट को घेर कर मारता है। इसके धमाके से ब्लास्ट वेव निकलती है। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को क्लस्टर बम देगा। मानवता के खिलाफ विनाशकारी माने जाने वाले इस बम पर करीब 120 से अधिक देशों ने बैन लगा रखा है। लिहाजा अमेरिका के इस फैसले पर अब सवाल उठने लगे हैं। इस बम को 155 मिमी तोप से भी दागा जा सकता है। क्लस्टर बम एक बॉक्स में भरे होते हैं। फटने के बाद इसमें से कई छोटे छोटे बम निकलकर बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं और भारी तबाही मचा सकते हैं। इनमें से जो बम नहीं फटते उसकी चपेट में अक्सर आम नागरिक आ जाते हैं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य बढ़त हासिल करने के उद्देश्य के साथ ही अपनी रणनीति को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। अगर इस युद्ध में एक भी बार क्लस्टर बम या थर्मोबेरिक बम ब्लास्ट होता है तो इसका परिणाम लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। इन हथियारों से तबाही कई गुना बढ़ सकती है। दोनों देश अभी भी युद्ध से पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं जनरल सर रिचर्ड ने एक अंदेशा जताया है कि रूस और यूक्रेन युद्ध संभवतः 2026 तक चल सकता है। उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि शायद 2024, 2025 या 2026 में यूक्रेन एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां उसे लगेगा कि वो सैन्य रूप से क्षेत्र पर रूसी कब्जे को और हटा नहीं सकता है। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। जिसका परिणाम अभी भी किसी को नहीं पता है।